मुजफ्फरनगर जिले के कवाल गांव में दो भाइयों सचिन और गौरव की हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट ने सभी सात आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि 2013 में गौरव और सचिन की हत्या और कवाल गांव में दंगों के मामलों में मुजम्मिल, मुजस्सिम, फुरकान, नदीम, जहांगीर, अफजल और इकबाल को दोषी ठहराया गया है। अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा और 2,10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने निर्देश दिए हैं कि जुर्माने की धनराशि में से 80% धनराशि पीड़ित परिवार को दी जाए। कवाल कांड के सभी सात अभियुक्तों को गिल्टी होल्ड किया गया था। आज दंड के प्रश्न पर सुनवाई की गई। अभियोजन पक्ष ने अपना पूरा पक्ष मजबूत तरीके से माननीय न्यायालय में रखा। इसमें हमारे एडीजीसी श्री जितेंद्र त्यागी जी, एडीजीसी आशीष त्यागी जी, श्री अंजुम खान जी, पूरे अभियोजन ने पूरी मजबूती के साथ अपने पक्ष को रखा है। सभी सात अभियुक्तों को 147 में सात दो साल की सजा, 2,000 रुपये जुर्माना, 148 में तीन साल की सजा, 5,000 रुपये जुर्माना, 506 में पाँच साल की सजा, 5,000 रुपये जुर्माना, 302 में आजीवन कारावास तथा प्रत्येक अभियुक्त को 2,00,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। इस राशि में से पीड़ित परिवार को 80% राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। हम न्यायालय के इस निर्णय का पूरा सम्मान करते हैं। सातों की उम्र कैद है, सातों को उम्र कैद, आजीवन कारावास से सभी आजीवन कार से दंडित किया गया है।